रिद्धिशा इंटीरियो फैक्ट्री बगरू जयपुर आलिशान फर्नीचर के लिए संपर्क करें। आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। नीमका थाना में भव्य परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें राम मंदिर प्रांगण से यह शोभा यात्रा शुरुआत हुई और यहां पर वैदिक विधि विधान से पूजन हुआ, जिसके बाद शोभा यात्रा में केसरिया साड़ी पहने हुए महिला नारी शक्ति और इसके साथ साथ पुरुष केसरिया साफे में नजर आए और इस यात्रा का खेतड़ी मोड़ पर पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रमेश खंडेलवाल की टीम भी मौजूद थी। इस दौरान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना कविता सामोता भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और राम मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी का पूजन किया और माल्यार्पण किया। इस वीडियो में आप देख रहे हो पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल हाथ में प्रसाद लिए हुए खुश हैं और काफ़ी स्वागत हुआ, जिसमें जगह जगह पर ठंडाई भी पिलाई गई। इस यात्रा में ब्राह्मण समाज के अनेक विप्र बंधु मौजूद रहे। हजारों विप्र बंधुओं ने भगवान परशुराम जी के जयकारे लगाए और हाथ में तिरंगा व केसरिया निशान थामे हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली और इस मंदिर आप देख सकते हो भगवान परशुराम की सजीव झांकी, जिसमें वीरांगना कविता सामोता भगवान परशुराम को प्रणाम कर रही है, माल्यार्पण कर रही है और सजीव झांकी वास्तव में भगवान परशुराम का साकार रूप देखने को मिला। इसके साथ साथ इस यात्रा में व्यापार मंडल नीम का थाना, भवानी रसगुल्ला, रामलीला मंडल और अनेक स्थानों पर व्यापार मंडल चिनार होजरी वाले टीम द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा की गई। शानदार तरीके से सभी विप्रगणों का स्वागत किया गया और यात्रा में जगह जगह ठंडाई पिलाई गई। इस यात्रा में RLP के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रही इस यात्रा में। आप देख सकते हो यह यात्रा फिर बाद में परशुराम मंदिर प्रांगण जोशी कॉलोनी पहुंची। धूमधाम से वहां आतिशबाजी की गई, पटाखे छुटाए गए, नारे लगाए गए और भव्य आरती आयोजित की गई और भगवान परशुराम मंदिर में भव्य वैदिक परम्परा के साथ विद्वान जनों द्वारा पूजन क्रम किया गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर भगवान परशुराम जी का सजीव चित्रण भी है और मूर्त भी है, जिसकी आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और पत्रकार दीपक शर्मा के साथ आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज यह है। आज परशुराम जन्मोत्सव पर मातंगी जयंती भी है, आखा तीज का भी कार्यक्रम है और परशुराम चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं और इसी परंपरा को ब्राह्मण समाज निभा रहा है। इस दौरान यहां पर हजारों लोगों ने दीप हाथ में लिए हुए हैं, आरती वंदना की आप देख सकते हो इस कार्यक्रम में। और यहां पर अनेक महिला पुरुषों ने भगवान परशुराम मंदिर के प्रांगण में धोक लगाई। खाटू श्याम जी नीम का थाना श्याम मंदिर जोशी कॉलोनी मंदिर के सामने भगवान परशुराम जी का मंदिर है और विद्वान जनों ने भी भव्य यहाँ पर आरती की। इसके साथ साथ यहाँ देख सकते हो आप भगवान परशुराम जी के मंदिर को और सभी ब्राह्मण द्वारा सभी वैदिक परंपरा के साथ पूजन किया गया। इस दौरान नीम का थाना, सिरोही, अन्य गांवों में भी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी लोगों ने तन मन धन से आरती कार्यक्रम में भाग लिया। इसके पश्चात भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों विप्रगण मौजूद रहे। देख रहे हैं आप पत्रकार दीपक शर्मा के साथ एक विशेष रिपोर्ट भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर नीम का थाना विप्र समाज द्वारा। इस यात्रा में नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी भी शामिल हुए। इसके साथ साथ प्रेम सिंह बाजौर की टीम ने भी रामलीला मैदान से पहले पुष्प वर्षा की। आप देख रहे हैं परशुराम जयंती का भव्य जन्मोत्सव। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।